आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूनानी सफीर से मुलाकात, मुख्तलिफ शोबों में ताबुन पर बहमी तबादला ख्याल। पाकिस्तान हर तरह से महफूज मुल्क है, खित्ते में अमन के फरोग के लिए पुरअज़्म है, आर्मी चीफ का बयान। वज़ीर आज़म का दौरा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड मनसूखी में बैरूनी साजिशों का पर्दाफाश करने का फैसला। वज़ीर दाखला और वज़ीर तलाक को हकायक से आगाह करने की हिदायत। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से बाज़ाब्ता एहतजाज। सियासत करने नहीं आया, अपने मैंडेट के मुताबिक इस शहर के लिए कुछ करना चाहता हूँ, शहरियों से कुछ नहीं छुपाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का बयान। कराची नून लीग का गढ़ बनेगा, बड़े सियासी जमातों के रहनुमा नवाज शरीफ के बयानी के साथ चलने को तैयार हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का बयान। अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर सियासत कर रही है, हम इंतखाबी इस्लाहात के लिए कोशिश हैं, इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे, वजीर इत्तला फवाद चौधरी का बयान। मुल्क का मुस्तकबिल सिर्फ नून लीग, हमारा बयानिया ही हमारी पहचान है, मरियम नवाज शरीफ का बयान। कहती है किसी जमात के पास ना हमारे जैसा लीडर है और ना ही वोट बैंक। कराची में A1 होम्स नामी मंसूबे में गैर कानूनी तामीरात का दोबारा आगाज, मंसूबे के बिल्डर की जानिब से आउटर डेवलपमेंट चार्जेस की अदम अदायगी के बाइस लेआउट प्लान मंसूख किया गया था। अंदलीब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की अराजी हड़पने के लिए रूफी ग्रुप सरगरम, 26 सितंबर 2021 को कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी को सोसाइटी की एक्शन कमेटी ने अखबार में शाया करके मशकूक बना दिया। गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्तें फराहम की जाए, DGSVCA की अफसरान को हिदायत, अफसरान ने अपने इलाकों की फहरिस्तें मुरतब करना शुरू कर दी। और कोरोना के खतरनाक वार ने मजीद 81 अफराद की जान ले ली, मोहलिक वबा से जहां बाग होने वालों की तादाद 27,000 से तजावुज कर गई।